सबसे पहले तो लिक्विडिटी के बेस पर म्यूचुअल फंड्स को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, इलिक्विड फंड्स एंड लिक्विड फंड्स। हाय, आई एम मंत्री फ्रॉम बुलस्मार्ट स्टॉक एटेन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी क्या होता है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विडिटी की म्यूचुअल फंड में क्या इंपॉर्टेंस है। लिक्विडिटी की इंपॉर्टेंस को हम फोर की पॉइंट से समझते हैं। नंबर वन, जब आपको कोई एसेट सेल करनी होती है तो आपको बायर मिलने तक वेट करना पड़ता है ना। तो जिस एसेट को सेल करने में आपको कम वेट करना पड़े, मतलब कि आपकी वो एसेट लिक्विड है, या फिर कह सकते हैं कि आपकी उस इन्वेस्टमेंट में या उस एसेट में लिक्विडिटी है। नंबर टू, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सिचुएशन, अगर आपके पास लिक्विड एसेट होगी तो आप उन्हें आसानी से कैश पे चेंज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर थ्री, कई बार ना इन्वेस्टर्स बिन बुलाए आने वाली प्रॉब्लम्स को कंसीडर नहीं करते, लाइक कोविड-19, और इन्वेस्ट करते टाइम असेट्स की लिक्विडिटी को चेक करना भूल जाते हैं। अब हमारे शर्मा जी को ही देख लीजिए और फिर उनकी तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। नंबर फोर, लिक्विड एसेट्स की ना एक मार्केट वैल्यू बनी रहती है जो कि इलिक्विड एसेट्स में नहीं होती। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें अपने ऑप्शंस ऐसे चूज करें जो आपको इनफ लिक्विडिटी दे। चलिए, अब आप लोग लिक्विडिटी की इंपॉर्टेंस तो जान ही गए, अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड और लिक्विडिटी का क्या कनेक्शन है। म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे अगर शर्मा जी के पास थोड़ी एक्स्ट्रा सेविंग्स है जिससे वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये इसलिए भी कि अगर इन फ्यूचर उन्हें कोई अर्जेंट नीड है तो वो इजीली अपना पैसा फंड से विड्रॉ भी कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड बेनिफिट्स की एक लिस्ट बनाई है, चलिए देखते हैं। नंबर वन, इजी स्विचिंग बिटवीन फंड्स। अगर इन्वेस्ट करने के थोड़े टाइम के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप इजीली अपने इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। नंबर टू, मार्केट वोलेटिलिटी। COVID-19 was a huge global crisis. अब ऐसी सिचुएशन में लिक्विड फंड्स आपको आपका पैसा विड्रॉ करने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। नंबर थ्री, लो रिस्क। लिक्विड फंड्स में रिस्क भी बहुत कम होता है क्योंकि इनका हाईएस्ट मैच्योरिटी पीरियड सिर्फ 91 डेज का ही होता है। नंबर फोर, बेटर पे ऑफ्स। लिक्विड फंड्स में ऐसा अक्सर माना जाता है कि ये इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स देता है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती। नंबर फाइव, एटीएम एंड डेबिट कार्ड फैसिलिटी। कुछ लिक्विड फंड्स ऐसे भी हैं जो इन्वेस्टर्स को क्विक फंड रिडेम्पशन की फैसिलिटी देते हैं, जैसे कि जब आपने अपने फंड्स विड्रॉ किए सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर आपका सारा पैसा आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में आपको रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है डाइवर्सिफिकेशन। तब तक के लिए देखते रहिए बुलस्मार्ट स्टॉक अकेडमी की लर्निंग वीडियो। आखिर सीखेगा इंडिया तभी तो इन्वेस्ट करेगा इंडिया।